लारा तुम ठीक हो? ओह भगवान का शुक्र है। एना तुम यहां क्या कर रही हो? मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं आ रहा। क्या हो रहा है लारा? मुझे डर लग रहा है। मुझे खेद है, मैंने नहीं सोचा था कि वे आपके पीछे आएंगे। ये है सब मेरी गलती। कौन वे? कौन हैं वे? क्या चाहते हैं? मेरे पिता भी इसी चीज के पीछे थे। ये अरे नहीं लारा, मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा मत करो। वे जो कुछ भी चाहते हैं बस उन्हें दे दीजिए। इतना आसान नहीं है। अभी इंतजार करो, मैं हमें यहां से निकाल दूंगी किसी तरह। उसे मत छुओ। कृपया कोई बात करना। नहीं नहीं कमीने। ईश्वरीय स्रोत कहाँ है? कृपया अभी रोको, मुझे नहीं पता कि यह कहाँ है। उसे मत छू, बस काफी है, नहीं जानती। क्या आप? नहीं, आप उनके साथ हैं? मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती। आप क्यों? आप इसे जाने नहीं दे सकते। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मुझे पता था कि तुम्हें इस जगह तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। आपने क्या उम्मीद की थी? यह इस तरह से होना जरूरी नहीं है। हम वही चीज चाहते हैं। हम आपके जैसे किसी व्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने जीवन में एक उद्देश्य चाहते हैं, हम वह प्रदान कर सकते हैं। तुम्हें मजाक करना होगा, मैंने देखा है कि ट्रिनिटी कैसे काम करती है। क्या ना है? मैं कोई बकवास तरीका नहीं हूं। मुझे बताओ एना, क्या आपको पहले ट्रिनिटी द्वारा भर्ती किया गया था या जब तुमने मेरे पिता से पंगा लेना शुरू किया? मैं रिचर्ड से प्यार करती थी, लेकिन वह आदर्शवाद में अंधा हो गया था और इसने उसे नष्ट कर दिया। आप कलाकृति के साथ क्या करेंगे? इसे दुनिया को दिखाओ, अपने पिता का अच्छा नाम छुड़ाओ। तुम अभी भी बहुत भोली हो, बस एक डरी हुई छोटी लड़की कोशिश कर रही है उसके पिता के जूते में चलो। हमारा काम यहां पूरा हो गया है? अभी तक कोई नहीं। आप और मैं, हम अभी भी इतिहास के एक ही पक्ष में हो सकते हैं। इसके बारे में सोचो लारा।